आज ही के दिन 1206 में दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में ताजपोशी हुई। 1564 में रानी दुर्गावती मुगलों से जंग के दौरान शहीद हुईं। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासक थीं। वे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियों में गिनी जाती हैं। दुर्गावती को तीर तथा बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास था। अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई थी। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। रानी का पक्ष कमजोर था। रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। रानी ने अपनी कटार अपने सीने में भोंक कर आत्महत्या कर ली। 1793 में फ्रांस ने पहली बार रिपब्लिकन संविधान को अपनाया। 1812 में फ्रांस के तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट ने 3.5 लाख की सेना के साथ रूस पर आक्रमण आरंभ किया। 1904 में अमेरिकी गायक, अभिनेता और हास्य कलाकार फिल हैरिस का जन्म हुआ था। हैरिस ने द जंगल बुक के बबलू और रॉबिन हुड के लिटिल जॉन को आवाज दी थी। 1961 में भारत के पहले स्वदेशी HF-24 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी। 1963 में डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत की। 1966 में मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान के स्विट्जरलैंड में मोंट ब्लांक में दुर्घटनाग्रस्त होने से 117 लोगों की मौत हुई। 1974 में ब्रिटेन की लेबर सरकार ने स्वीकार किया था कि उसने चंद हफ्तों पहले अमेरिकी जमीन पर एक परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। 1975 में न्यूयॉर्क के JFK हवाई अड्डे पर ईस्टर्न 727 विमान दुर्घटना में 113 लोग मारे गए। 1980 में भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का निधन हुआ। भारत रत्न से सम्मानित वीवी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। वे एक लेखक और एक अच्छे वक्ता थे। 1983 में अमेरिका की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री सैली राइड 6 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौटीं। टेनिस की एक पूर्व खिलाड़ी रही राइड ने 1977 में अंतरिक्ष यात्री बनने की ठानी थी, जब उन्होंने नासा का एक विज्ञापन देखा। इस विज्ञापन के लिए 1000 महिलाओं ने और 7000 पुरुषों ने आवेदन किया था। इस यात्रा में राइड ने फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर काम किया। अंतरिक्ष में उनके कामों में यान से जुड़ी एक 50 फुट लंबी यांत्रिक बांह को संभालने का काम भी था। इस यांत्रिक बांह का काम बाहर घूम रहे उपग्रहों को पकड़कर खींचना भी था, ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। ये अपने किस्म का पहला प्रयोग था। राइड ने इस बांह को डिजाइन करने में भी योगदान दिया था। 1986 में आज ही के दिन भारत सरकार ने अविवाहित महिलाओं के लिए भी मातृत्व लाभ को स्वीकृति दी। 2006 में फिलीपींस में मौत की सजा को खत्म कर दिया गया। और आज ही के दिन 2012 में मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता मोहम्मद मुर्सी मिस्र के राष्ट्रपति बने।